हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले नेवी एमआर की स्पेशल जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारा नेवी एमआर के लिए। और इस चैप्टर में आपको हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, वो ऑब्जेक्टिव थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव ही होगा आपका। और ऑब्जेक्टिव अब हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे हर एक चैप्टर के। और पहले चलते हैं हम थ्योरी जानते हैं क्या क्या होता है। नॉर्मल से थ्योरी है वर्क एनर्जी एंड पावर की, और ये अंदर क्लास 10th की ही पूछी जाती है एमआर के एग्ज़ाम में। तो इसी के लिए हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे जो अंदर 10th में आप पढ़े थे, ठीक है। तो उसी को हम रिवाइज करने जा रहे हैं, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। इसमें टोटल 20 से 22 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू से करते हैं, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और 50 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर, आप जल्द ही पूरा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्क होते क्या है। वर्क को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं वर्क होती क्या है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताएंगे, ठीक है। अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं। तो वर्क होती क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क बराबर जो होती है वो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि गुना, फोर्स का गुना, ठीक है। वो प्रोडक्ट फोर्स का गुना एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से करते हैं। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। एफ डॉट इंटू एस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ गुना गुना दिया है, डॉट प्रोडक्ट में होगी, ठीक है। और इसी को हम थीटा के से डिनोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा हमारा, ठीक है। एफ एस इंटू कॉस थीटा। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में इसका डिफिनेशन कुछ अलग होता है। देखिए हिंदी में होता है कि कार्य की जो माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बोलता है ये भी वर्क इक्वल टू कार्य का जो गुणनफल होता है वो विस्थापन इंटू जो होगा वो फोर्स होगा, ठीक है। यानी कि बल इन बल गुना और विस्थापन जो होता है वो गुणनफल के बराबर कार्य कहलाता है। और कार्य का जो SI जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और इसका जो SI मात्रक तो जूल होगा, और लेकिन ये स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। एक अदिश राशि है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया द डॉट प्रोडक्ट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दस इसी को हम लिखा है मैथमेटिकल टर्म, अगर थीटा जीरो हो, अगर थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर थीटा कॉस थीटा 1 डिग्री हो अगर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर थीटा 90 डिग्री और कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो W बराबर जो होगा वर्क ना 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं बॉडी परपेंडिकुलर है तो वह वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर एफ इक्वल टू 0 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि फोर्स बराबर 0 होगा तो वर्क भी हमारा 0 होगा। देखिए मान के चलिए, अगर कोई बॉडी है, अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ही ना वर्क करेगा। तो फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क क्या करेगा, 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए तो वर्क 0 हो जाए। अगर देखिए डिस्प्लेसमेंट, अगर ये वस्तु चलेगी, डिस्प्लेस करेगी तो ही कुछ कार्य होगी, अगर वस्तु डिस्प्लेस नहीं होती तो वार कार्य नहीं होगी। तो इस टाइप की थ्योरी थी, और हिंदी में भी मैंने बता दिया। अगर एक बार नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए कार्य की जो माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा के वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि होती है, और इसका जो SI मात्रक होती है वो जूल होती है, ठीक है। यदि एफ तथा विस्थापन एस के माध्यम को थीटा बनाता है तो एफ एफ इंटू कॉस एफ इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पर दिया गया। और इसी तरह हम चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क की तरफ। यूनिट ऑफ वर्क जो SI होता है वो जूल होता है, और इसे हम न्यूटन मीटर भी पढ़ते हैं। और CGS में हम जानेंगे तो आर्क और डाइन होगी सेंटीमीटर, ठीक है। इन FPS में जानेंगे तो FT पॉन्डल होगा, ठीक है। और 1 जूल बराबर जो होता है वो 10^7 अर्ग होती है। चलिए हम पावर अब जानेंगे, पावर होती क्या है। तो पावर मेरे भाई जो होती है वो बहुत ही इजी पावर का डिफिनेशन है। पावर जो होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति, ठीक है। तो शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, पावर में भी डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सेम चीज़ है, कार्य करने की शक्ति, ठीक है। किसी भी कार्य करने की जो दर को हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को, देखिए पावर को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर को, इन अदर वर्ड रिप्रेजेंट वर्क डन
इन द यूनिट टाइम, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी इसको वर्क डन को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यूनिट टाइम यानी कि वर्क जो होगा, पावर बराबर होगा वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। यही यूनिट टाइम होता है। और हम इसे वर्क को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, अभी तो मैंने बताया, बट टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देन पी इक्वल टू एफ इंटू वी हो जाएगा, ये पूरा जीरो वन हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बाई टी वन हो गया, और देन राइट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ डॉट वी इक्वल टू, ठीक है। और इसे हम हिंदी में बता देते हैं आपको, हिंदी में होता क्या, वर्क जो होते वो पावर जो होती है वो कार्य करने की दर को शक्ति करने, यदि किसी कर्ता द्वारा डब्लू कार्य टी समय में किया जाता है, यानी कि जो पावर होगा वो डब्लू बाय टी समय, ठीक है, कर्ता द्वारा डब्लू कार्य बाय टी में किया जाता है, तो कर्ता की शक्ति जो होगी वो डब्ल्यू बाई टी होगी, और शक्ति का एसआई वाट होते हैं मात्रक जो होंगे, और जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। और इसके जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, तो वाट को एसआई मात्रक, और शक्ति को हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं, बटे टाइम बोल सकते हैं, और इसको हम कार्य बोल सकते हैं, ठीक है, इसको कार्य बोल सकते हैं, इसको बटे टाइम बोल सकते हैं, और इसका जो ऐसा है मात्रक वो वाट हो गया, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से रखा गया। और इसे हम जूल भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड, और वाट को हम बोल सकते हैं जूल पर सेकंड, वाट को हम वाट बराबर जो होगा वो 10^7 अर्ग अर्ग पर सेकंड होगा, ठीक है, अर्ग पर सेकंड। और 1 किलो वाट बराबर जो होती है वो होती है 1000 वाट, ठीक है, 1 किलो वाट बराबर जो होगी वो तो 1000 वाट होगी। और 1 MW जो होती है 10^6 वर्क होती है, ठीक है। और शक्ति का जो एक और मात्रक होती है वो अश्व शक्ति कहलाती है, जिसे जेम्स वाट द्वारा दिया गया है। अश्व शक्ति होती क्या है इसे हम जानेंगे, ठीक है, पहले यूनिट ऑफ पावर जान लेते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर होती क्या है, एसआई यूनिट में होती है जूल पर सेकंड, जिसको हम वाट बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में होती है सिस्टम में जो होती है वो अर्ग पर सेकंड होगी, ठीक है, और एफपीएस में हो जाएगा वो एफटी पौंडेल पर सेकंड, ठीक है, यानी कि पौंडेल पर सेकंड। ये सब क्वेश्चन आपको पूछाना जाएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैंने ऑब्जेक्टिव में सारा क्वेश्चन डाला है। और वन अश्व शक्ति जो होती है वो एचपी कहलाती है, जो यहाँ पर दिया गया है 550 FT, ठीक है, यानी कि पौंडेल पर सेकंड दिया गया है। उसके बाद इसको हम इससे गुना कर देंगे जूल पर सेकंड, तो इतना वाट होते, आपको याद रखना मेन बात, 746 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो है वो हम जानेंगे शक्ति तो हो गया, और जानेंगे हम ऊर्जा जो एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम ऊर्जा क्या होती है ये हम जानते हैं, 1 किलो वाट पहले जान लेते हैं। 1 किलो वाट होती क्या, 1 किलो वाट बराबर जो होती है वो 1000/746 इक्वल टू 1.36 HP होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, 1 किलो वाट बराबर 1.3634 HP, और 1 HP बराबर 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। 1 किलो वाट, किलो मतलब 1000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनर्जी, एनर्जी होती क्या है, एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, और एनर्जी होती है वो, इसको हम हिंदी में जैसे डिफाइन करना चाहते हैं तो हिंदी में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, ठीक है, इट इज़ मेजर्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच द बॉडी कैन डू इट, ठीक है। इसको हम हिंदी में एक बार और समझा देते हैं। देखिए, किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक जो है जूल है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक वो जूल है, ठीक है, और कार्य का जो एसआई मात्रक था उसका भी जूल था, और यह एक अदिश राशि है, और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, ठीक है,
जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो दो प्रकार की होगी। यूनिट ऑफ एनर्जी कहलाती है, सिंस एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, देयर फॉर जूल आर्ग एंड एफटी पोंडल आर ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सब यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। यूनिट ऑफ एनर्जी हमारा जो होती है वो दो तीन प्रकार की है, देखिए जूल है, अर्ग है और पोंडल भी है, एल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी है। और एडिशनल टू बी एबव द यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वाट हावर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और हम किलो वाट का जो यूज़ करते हैं, किलो वाट हावर का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए करते हैं। और वोल्ट यूजअली यूज इन एटोमिक फिजिक्स आर एल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। और वोल्ट का जो यूज होता है वो फिजिक्स में किया जाता है, जो यूजअली किया जाता है एटम को हम मापने में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻²⁰ अर्ग, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। और 1 किलोवाट हावर को हम लिख सकते हैं 36 × 10⁻¹² अर्ग इंटू इक्वल टू 36 × 10⁻¹⁵ जूल। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी होगी। और नेक्स्ट हमारा है जो दो प्रकार की एनर्जी होती है, कार्य द्वारा यानी कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है वो गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। और पहले हम जानेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, होती क्या है गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम सीधा सा हिंदी में अगर डिफाइन करें तो हिंदी में, इंग्लिश में तो दिया है, हिंदी में बता देते हैं, किसी वस्तु में जो उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है। देखिए किसी वस्तु में उसकी किसी वस्तु है और उसकी जो गति है यानी कि मोमेंट है, उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, इस वस्तु में मोमेंट आ जाती है, उसे जो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है, ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है, और तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो के ई बराबर, ठीक है, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको, के ई बराबर जो होते हैं वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। देखिए यहाँ पर डिफाइन तो किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मे बी डिफाइन एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि गति वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। के ई बराबर जो होती है वो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होती है, और हाफ एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय एम। ठीक है, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे टू एम, टू एम यहाँ से गुना हो गया, और एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी जो होता है वो मोमेंटम कहलाती है हमारा। ठीक है, यहाँ पूरा डिफाइन किया है, ये सब आपको पूछेगा नहीं बट ये फार्मूला आपको आ सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको भी हिंदी में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो होती क्या है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था यानी कि स्टेट जो होती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट या स्थिति के कारण ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो आ जाती है, उसे जो कहते हैं स्थिति ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो डिफाइन करनी है वो, काइनेटिक एनर्जी बॉडी ऑफ डिफाइन एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू इट मोशन, ये तो हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो उसको हम हिंदी में बताया है, देखिए फिर से हम बता रहे हैं, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट, अवस्था मतलब स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, ठीक है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, इस तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग जो होती है, तनी हुई स्प्रिंग जो होती है वो ऐसे करके स्प्रिंग होती है, इसको हम तानेंगे तो और इसे हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घड़ी की जो चाबी होती है उसमें भी एक उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक है, और घड़ी को चाबी हम घुमाते हैं तो फिर से हमारा घड़ी चलने लगता है। और गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजन है इक्वल टू पी इक्वल टू एम जी एच, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर ये लागू किया गया है, वहीं से ये हमारा हुआ। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इज द डिफाइन एज द मे बी डिफाइन एज द एनर्जी पोस्टेड बाय द बॉडी इज वर्चुअल इट्स पोजिशन और कॉन्फ्रिगेशन। पोजिशन मतलब क्या हुआ, हमारा स्टेट हुआ, ठीक है, पोजिशन और कॉन्फ्रिगेशन ऑफ कंडीशन, ठीक है, इक्वल टू पी इक्वल टू एम जी, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, लगता है इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसका हम नेक्स्ट तुरंत वीडियो अपलोड कर देंगे 2-3 घंटे के बाद, ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।
और नेक्स्ट हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बट हम बता रहे हैं ये आपको होती क्या, बट यहाँ पर इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। जो यहाँ पर पी इक्वल टू एम जी होता है वो एम इक्वल टू मास हो जाएगी, ठीक है, और जी इक्वल टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक्सलरेशन, ठीक है, और एच इक्वल टू ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम पढ़ेंगे। द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देखिए वर्क डन हो जाएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, रिजल्टेंट इक्वल टू बराबर, और इसी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू जो होती है वर्क डन बराबर जो होती है चेंज इन काइनेटिक माइनस ई नॉट हो जाएगा, ये कौन डी ई भी बोल सकते हैं, दिस इज़ वर्क डन थ्योरम, ये आपको पूछा नहीं जाएगा बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बस इतना ही थी। और नेक्स्ट हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानने के लिए हम ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना और नष्ट की जा सकती है, और ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, और जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम जो होती है वो स्थिर रहती है, और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ये मैथमेटिकल मैंने बताया और इनने पहले जो बताया था वो थियोरेटिकल था, ठीक है। तो इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट है, इस वीडियो को जल्दी पूरा कर दीजिएगा, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी मिल जाएगी।